हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैंगटॉक द सिटी ऑफ हिल्स। ये हमारा सिक्किम सफ़र का फिफ्थ एंड लास्ट वीडियो है। हम नॉर्थ सिक्किम के सफ़र कंप्लीट करके गैंगटॉक आए थे कल रात को थके हारे हुए, और फिर मस्त नींद पूरी करके आज सुबह हम गैंगटॉक के होम स्टे से निकल के ताशी व्यू पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। हमने एक लोकल टैक्सी हायर किया है जो हमें ताशी व्यू पॉइंट तक लेके जाएंगे और वापस भी लेके आएंगे, तो थोड़ा बार्गेनिंग करके वो 500 में राज़ी हुए। जब हम गैंगटॉक शहर से निकलते हैं तो पहली चीज़ जो दिखती है वो है ये शानदार सड़कें और हर तरफ फैली हरियाली। सफ़र के दौरान तरह तरह के पहाड़ों से गुजरने वाले हैं, और इन पहाड़ों पर फैले हुए देवदार और पाइन के ट्रीज बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये सड़कें हमें ट्विस्ट और टर्न्स के साथ ले जाती हैं, और ये ज़िगज़ैग रास्तों पर चलना एक अलग ही मज़ा है। हर नए मुराद पर, हर नए पहेली पर हम एक कहानी बनाते हैं अपने सफ़र की। आगे चलते हुए हम गुजरने वाले हैं एक वाटरफॉल के करीब से। ये है बाकथांग वाटरफॉल जो ताशी व्यू पॉइंट के रास्ते पे पड़ता है। हम वाटरफॉल को देखने के लिए और नहीं रुके और अपना सफर आगे जारी रखे अपने मंजिल की तरफ। अभी हम पहुंच गए हैं ताशी व्यू पॉइंट, और यहाँ सेंटर में ड्रैगन्स बनाया हुआ है जो सिक्किमिस ट्रेडिशन का एक पार्ट है। यहाँ सामने एक लिफ्टेड प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहाँ से पहाड़ों का पैनोरामिक व्यू आता है, और फोटोज लेने के लिए भी परफेक्ट जगह है। और यहाँ पे एक सुविनियर स्टोर है जहाँ हर तरह के चीज़ आपको मिलेंगे। तो यहाँ से हम कुछ गिफ्ट आइटम्स ले लिए, जैसे कि सिक्किमिस ट्रेडिशनल बोल्स जो बहुत प्यारा दिखता था और हमारे बेस्ट फ्रेंड को भी बहुत पसंद आया था। और फिर हम बिल्डिंग के ऊपर आ गए जहाँ से और भी बहुत खूबसूरत व्यू मिलता है। यहाँ से दूर दूर तक पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही लाजवाब कर रहा था, और नीचे लोगों के भीड़ से अलग ऊपर बहुत ज़्यादा ठहराव महसूस हो रहा था। फिर हम सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं और वहाँ फर्स्ट फ्लोर में रुके देखने के लिए, जहाँ आराम से बैठने का जगह रहता है पर कोई नहीं होता वहाँ। और दीवारों में सिक्किमीज लीडर और मिनिस्टरों के तस्वीर लगा हुआ दिखता है, और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर की भी पोर्ट्रेट देखने को मिले वहाँ पे। फिर हम नीचे आते हैं और ताशी व्यू पॉइंट को अलविदा करते हुए सीढ़ियों से मेन रोड तक उतरने लगते हैं।
अभी हम वापस जा रहे हैं गैंगटॉक में अपने होम स्टे के तरफ। वहां व्यू पॉइंट पे हम ऑलमोस्ट एक घंटे के करीब रहे थे। लौटते वक्त का नज़ारा भी देखने में अच्छा लग रहा था, हरियालियों से भरा हुआ पहाड़। फिर हम आगे चलते हैं और पहुंच गए हमारे होम स्टे, और फिर लेट आफ्टरनून को हम निकलते हैं एमजी मार्ग के तरफ, जो वॉकिंग डिस्टेंस में ही पड़ता है, अराउंड 200 मीटर्स, पर यहाँ का स्लोप बहुत खतरनाक था। फिर हम सामने गांधी जी को नमस्ते करते हुए आगे चलने लगते हैं। एमजी मार्ग गैंगटॉक में सबसे बेस्ट जगह है अगर आपको खाना या शॉपिंग या कुछ भी करना हो, और कुछ ना करना हो फिर भी आप यहाँ बैठे बैठे वक्त को गुजरते हुए महसूस कर सकते हैं। यहाँ आते ही आपको एक खुशगवार और जिंदा दिल माहौल का एहसास होता है। जब हम यहाँ पहुँचे तब ये जगह तेज़ी से गूंज रही थी, लोगों की हंसी, बाज़ार में घूमने वाली भीड़ और रंगों का झूमर सबने दिल खुशी से भर दिया था। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। यहाँ आपको अनेक प्रकार के स्ट्रीट फूड्स मिलेंगे, जैसे मोमोज, थुकपाज और सिक्किमीज आचार। ये सब स्वादिष्ट खाने आपको अपनी मिठास से मोहब्बत करवा देंगे। और चलते चलते हम गए रोल हाउस, जहाँ का रोल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है गैंगटॉक में। आपको यहाँ असली पश्मीना शॉल, सिक्किमीज हैंडीक्राफ्ट्स और बहुत सारे आपके मनपसंद चीज़ें मिलेंगे। यहाँ का शॉपिंग का एक्सपीरियंस आपका दिल खुश कर देगा। शाम ढलते ही एमजी मार्ग की चमक और जान उभरती है, झिलमिलाती रोशनी और घूमने वाले लोगों की हंसी, ये माहौल आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। आप अपने दोस्त और परिवार के साथ मस्ती कर सकते हैं और यहाँ खूबसूरत पलों को यादगार बना सकते हैं। एमजी मार्ग गैंगटॉक की जान और दिलकश जगह है। इस जगह का जश्न, शॉपिंग और बाजार का माहौल हमेशा यादगार रहेगा। फिर हम वापस अपने होम स्टे जाते हैं और अगले दिन सुबह को जल्दी उठते हैं, क्योंकि हमारे कोलकाता वापस आने का दिन आ चुका था। गैंगटॉक और सिक्किम को अलविदा करते हुए हम निकल पड़े शिलीगुड़ी के लिए, जहां से हमारा ट्रेन था एनजेपी स्टेशन से शियालदा के लिए। सीवो क्रॉस करके जब हम शिलीगुड़ी के प्लेन्स में आ चुके थे, तब गाड़ियों का बहुत लंबा जैम दिखा। फिर हम ओवरनाइट ट्रेन जर्नी करके आ पहुँचे शियालदा स्टेशन और अपना लगेज को ड्रैग करते हुए एग्जिट की तरफ जाने लगे। सुबह के 6:30 बज रहा होता है और फिर हम स्टेशन से उबर बुक किए और अपने घर के लिए रवाना हो गए। सूरज की किरण फॉग्स को चीरते हुए आ रहा था, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।